होगा कैसे, किसने किया? ये पुलिस की वर्दी आपकी डीजी खान में कौन पहन कर लोगों को? अच्छा अच्छा, अब आप मेरे पास, अब आपके बंदे रिहा हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना? वो हमारा काम है, आप प्लीज, वो हमारा काम है, ये हमारी तहरीक है। आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमें कॉल देंगे, पूरा डीजी खान आएगा। आपने 144 लगाया ना, फिर भी लोग आए हैं। लगा सकता हूँ, लगाया आप लोगों ने, देख लें, लगाना है बस, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। हम अपना आइंदा लाएं, हमारा इरादा यहाँ धरने का नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हमें मजबूर किया, आप लोगों ने हमारे लोगों पर गिरफ्तार किए। अच्छा बीबी बात सुने, अगर आप लोग इस बात के राजी हैं, प्यार हैं, आप जाना चाहते हैं, बंधन आपको यहीं प्रोवाइड करना। नहीं, वो हमारा काम है, हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, ये हमारी सरजमीन है, बलोचिस्तान है, ठीक है ना? आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, वो हमारी मर्जी है, ठीक है ना? ऐसे नहीं, यही बात है, इस पर तो बात नहीं होगी। वो हमारा मुजाहरा होगा, जलसा होगा, जब हम निकलेंगे, हम निकलेंगे, आपको फिर बता देंगे। डीजी खान के DSP है जो सामने से जो है ना इनकार कर रहे कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों को गिरफ्तार किसने किया है, मुझे नहीं पता कि इन औरतों को मारा किसने है। जब एक बंदे में इतना जर्फ नहीं है कि वो अपने ही फोर्सेस के QA को माने, तो वो क्या इख्तियार रख सकता है कि हमारे मुतालबात को पूरा करे। मैं इस वीडियो के तवसुत से डीजी खान के तमाम आवाम से यही अपील करती हूँ कि वो आए, इस धरनागाह में ज्वाइन करें, और जब तक जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, उसके बाद भी ये धरना जारी रहेगा, और जब तक ये जलसा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो काम है, रजिस्ट्रेशन है, वो तब तक नहीं होगा, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोगों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस शिरकत को ऐसे ही बरकरार रखना है। जब हम एक साथ होते हैं तो हमें कोई नहीं डरा सकता, लेकिन जब हम एक एक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें हर कोई डरा सकता है, हमें मार भी सकता है। अभी वक्त आ गया है कि बलोच अपनी सरजमीन बलूचिस्तान के लिए एक साथ हो जाए। थैंक यू, वेलकम।